हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21st और 22nd सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हम आज दो दिन का करंट अफेयर्स पूरा कवर करेंगे और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जिससे फ्रेंड्स हम उसके बाद रिविजन क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं और लास्ट में हम दो क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए ज़रूर पूछते हैं। तो आप सभी उनका आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। सो ग्रेट थिंग्स, महान चीज़ें देखिए कंफर्ट जोन से नहीं आती हैं। तो कई बार आपने देखा भी होगा, ऐसा आपने फील भी किया होगा कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तब तक हम अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि हम आराम करते हैं, हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ते ही नहीं हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हमने हार्डवर्क करना शुरू किया, उस दिन समझ लीजिए आप प्रोग्रेस करेंगे और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे और अपनी लाइफ में ग्रेट चीज़ों को ज़रूर कवर करेंगे, ज़रूर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। तो सबसे पहले दो दिन के इम्पॉर्टेंट डेज कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जो कि मनाया कब जाता है, 21 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते भी हैं इसको, तो 21 सितंबर को ये मनाते हैं। तो अल्जाइमर जो डिसीज़ है और उसके बारे में जो बहुत सारी डिमेंशिया है, बहुत सारे मनोभ्रंश फैले हुए हैं, उसके बारे में लोगों को इस दिन जागरूक किया जाता है। तो अवेयरनेस फैलाई जाती है अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में। इस दिन की स्टेबलाइशमेंट हुई थी 21 सितंबर 1999, जब अल्जाइमर्स डिसीज़ इंटरनेशनल की 10th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ही इस दिन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इसकी थीम। तो इसकी थीम है नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। ईजी है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सो ये भी कब मनाते हैं, 21 सितंबर को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वर्ल्ड पीस डे भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, विश्व शांति दिवस आए या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस लिखा है, दोनों ही सेम डे हैं। दुनिया भर में देखिए जो वायलेंस होती है, जो संघर्ष होते हैं, उसको रोकते हुए पीस को प्रमोट करना, शांति को बढ़ावा देना, यही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की थीम देख लीजिए, एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर दी हैशटैग ग्लोबल गोल्स। तो ये इस बार की जो है इसकी 2023 की थीम रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डे वर्ल्ड राइनो डे, विश्व राइनो दिवस। ये कब मनाते हैं, 22 सितंबर को ये मनाया जाता है। इस दिन देखिए जो राइनोसॉर्स की 5 स्पीशीज़ हैं, जो उनकी सभी 5 प्रजातियां हैं, उनको सेलिब्रेट करने और उनके संरक्षण के बारे में, उनके देखिए कंजर्वेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही पूरा दिन समर्पित होता है। वर्ल्ड राइनो डे की सबसे पहली बार अनाउंसमेंट की गई थी साउथ अफ्रीका में कब, 2010 में। उसके बाद जो है ये दिन मनाना शुरू हो गया था। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे 22 सितंबर को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसको UNCTRAL के नाम से जाना गया है। तो किस कंट्री ने, किस देश ने पहले जो ये UNCTRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन है, इसकी मेजबानी की है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे होस्ट किया है किसने, इंडिया ने जो है इसे होस्ट किया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इंडिया में हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मेन क्या उद्देश्य है देखिए इसे होस्ट करने का, कि इंडिया की इंगेजमेंट बढ़े इसके साथ में, जो कि है UNCTRAL, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके साथ इंडिया की देखिए भागीदारी को और आगे बढ़ाने, साथ ही में जुडिशरी, जो ब्यूरोक्रेसी है, अकेडमिया है, और लीगल फ्रटर्निटी है, जो कानूनी बिरादरी है, उसके बीच जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, उसको प्रोत्साहन देना, उसको प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसे ऑर्गेनाइज जॉइंटली किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, UNCTRAL ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया। तो इन्होंने मिलकर जो है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। अगला क्वेश्चन है, द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी।
तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। एडिशन भी पूछ सकते हैं कि इसका कौन सा एडिशन मुंबई में हुआ है। सो याद रखेंगे 14th एडिशन। इसकी थीम क्या रही? विजन 2030 स्पाइसेस। तो ये जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रही है। 3 दिन का ये जो है पूरा इवेंट हुआ था और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इन्होंने ट्रेड बॉडीज़ और जो भी एक्सपोर्ट फोरम्स हैं उनके साथ एसोसिएट होके, उनके साथ मिलकर जो है इसका एक तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसकी थीम पूछ सकती हैं कहाँ हुआ है मुंबई में, और एडिशन पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन, टू प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स। एट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हैज दिस प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? तो एयर इंडिया ने यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन को किस एयरलाइन ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा एयर इंडिया ने। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है? तो इसे स्टार्ट किया गया है 16 एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको 16 एयरपोर्ट पर शुरू किया गया। इसका इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि जो ट्रेवलर्स हैं उनको पर्सनलाइज्ड और हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिले, कि भाई जब वो ट्रैवल करें उनको कोई परेशानी ना हो, परेशानी मुक्त अनुभव देना इसका उद्देश्य है। जिन एयरपोर्ट्स पर ये डिप्लॉय किया जाएगा, इस फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा, वो है, वो कहाँ कहाँ हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कैलिकट, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा विथ 454 मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड ओनली 2 अगेंस्ट। तो याद रखेंगे फेवर में कितने मेंबर्स थे? 454, और सिर्फ 2 अगेंस्ट में थे इस बिल के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? तो अभी जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पास हुआ है, इस बिल का, इस विधेयक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसका नाम, तो याद रखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे मार्क करिएगा। और इसे लोकसभा में जो है अभी देखिए ये पास हो गया है, क्योंकि मेजॉरिटी वोट तो पास होने में थी तो इसे पास किया गया है। जो बिल है देखिए, इसे जो नया पार्लियामेंट्री देखिए बिल्डिंग बनी है उसकी फर्स्ट डे में जो प्रोसीडिंग हुई थी, पहली दिन ही जो लोकसभा की जो पूरी बैठक हुई थी उसी में जो है इसको पेश किया गया था, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। एडिशनली जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था इन दी लोकसभा, उसको उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अब संविधान सदन। ठीक है, याद रखेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो पुरानी जो पार्लियामेंट्री हाउस है उसका नाम क्या कर दिया है? संविधान सदन। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो कौन से शहर में रखेंगे? देखिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वाराणसी में। और कौन रखेंगे ये भी याद रखेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रखेंगे। अच्छा, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ना फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो है ना एक शिव थीम पे आधारित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिलर लगा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे त्रिशूल है, और इसका एक कंपार्टमेंट ऐसा भी बन रहा है जो बिल्कुल डमरू की शेप का है, जैसे शिवाजी का डमरू है। तो इस तरह से पूरी इसकी थीम रखी गई है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं वो एक टाइम पे इसको यहाँ पे बैठ सकते हैं। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा किसको डिवोट है? लॉर्ड शिवा को। तो जो एंटायर स्टेडियम की देखिए जो रूफ है ना, वो एक हाफ या आप किसे अर्ध चंद्राकार कह सकते हैं क्रेसेंट शेप्ड रूफ रहेगी। आप मैप में पिक्चर में देख सकते हैं इसकी जो रूफ है वो इस तरह से है ना। तो ये हाफ ऐसे लग रहा है ना कि चांद जैसे हाफ होता है, तो इस तरह से इसकी जो है वो रूफ की शेप है। और जो इसकी फ्लड लाइट्स है उसको त्रिशूल की तरह डिज़ाइन किया जाएगा। तो पूरी जो है वो ये शिवा थीम पर बेस्ड है पूरा ये स्टेडियम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में
संत रविदास टेम्पल की आधारशिला रखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष ई पोर्टल को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही राजस्थान में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था। ऑल्सो देखिए गुजरात में इन्होंने सेमिकॉन इंडिया जो कॉन्क्लेव हुआ था उसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहाँ पे राजस्थान में उन्हें इनॉग्रेट किए। तो ये सभी न्यूज़ किससे रिलेटेड है, मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच हॉस्पिटल हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज बर्थडे। तो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर किस अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित ODP का उद्घाटन किया गया। तो कौन से हॉस्पिटल में किया गया, देखिए तो इसका आंसर है डॉक्टर RML हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट इसको मार्क करिएगा, पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो इनिशिएटिव है देखिए, ये ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके जो मेंबर्स हैं देखिए उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुंचाने में जो भी देखिए कठिनाइयां आती थी कि वहां तक हेल्थ केयर सर्विस नहीं पहुंच पाती थी, उन कठिनाइयों को कम करने के लिए ही इसे शुरू किया गया है। तो कई ज़्यादा क्या होता था कि भाई फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या डिसकंफर्ट की वजह से, सोशल एपैथी की वजह से ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य यही है कि वो सभी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उन कम्युनिटी मेंबर्स को प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं किसने इनॉग्रेट किया है, तो आंसर होगा फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंडिया की करंट प्रेसिडेंट हैं। इसमें देखिए 2000 जो एग्जीबिटर्स हैं, 2000 से भी ज़्यादा एग्जीबिटर्स जो हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शोकेस कर सकेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, फार्माटिकल, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स। तो ये अलग अलग जो भी एरियाज हैं उनके जो भी अपने अपने प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शोकेस या उसका प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ग्रांटिंग ऑफ 50,000 टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन टू बाय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ई स्कूटर्स लेके उनको खरीदने के लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। तो जो भी कॉलेज जाने वाली गर्ल्स हैं इससे क्या होगा और भी ज़्यादा देखिए एक तरीके से वो उनको लिए इजी हो जाएगा। देखिए स्कूटर्स जब उनके पास देखिए ई स्कूटर होगा तो वो इजीली अपनी कॉलेज जा सकेंगी और अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकेंगी। तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा इसके तहत। ऑल्सो इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बच्चे हैं देखिए उनको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता था उस अमाउंट को भी इनक्रीज़ किया जाएगा, कि स्कॉलरशिप वाला जो अमाउंट है वो उनको बढ़ाकर दिया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये भी अनाउंसमेंट जो है इसी के साथ की गई है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। हरियाणा की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई इसकी 1 नवंबर 1966 को, कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए हरियाणा सरकार ने जो है अभी जो है एक कैंपेन शुरू किया था जिसमें वेस्ट कलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। हरियाणा में देखिए जो रेस्टोरेंट हैं वो 24/7 उनको खोलने की अनुमति दी गई। इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर इसको चलाया गया। नेक्स्ट हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने जो है तीन ऑनलाइन सर्विसेज जो है लॉन्च की थी ताकि लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा सके। हरियाणा पहला स्टेट बना था जहाँ पर रेलवे जो है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, नॉर्थ इंडिया का जो पहला
न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे सेट किया गया है हरियाणा के गोरखपुर में जो है फ्रेंड्स, इसको सेट किया गया। हरियाणा सरकार ने जो है जो पेट डॉग्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क कहाँ पे ओपन किया गया है, हरियाणा में इसे ओपन किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने चारा विजय योजना जो है इसे लॉन्च किया। तो ये हमें न्यूज़ याद रखनी है हरियाणा से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ई भूमि पोर्टल, किस राज्य सरकार ने नया ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो देखिए, ई भूमि पोर्टल से क्या होगा, देखिए जो भी लैंड ओनर्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, देखिए तो कई सारे आपने सुना होगा ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं उनके लिए लैंड्स की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होगा कि जो लैंड ओनर्स हैं उनसे वो भूमि खरीदने की जो प्रोसेस होती है उसको और भी आसान बनाने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा फ्रेंड्स, न्यूज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। द स्मॉल टाउन शांति निकेतन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, जो शांति निकेतन है ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये बताना है। तो ये है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड, और ये इंडिया की 41st जो है साइट बनी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई है। थोड़ी सी बात करें शांति निकेतन की, 41st साइट बनी है, इसको जो है वो टैगोर जी ने इसकी स्टेबलाइशमेंट की थी 1901 में। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था, एक आवासीय विद्यालय था, और ये सेंटर था देखिए फॉर एन आर्ट बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित कला का ये केंद्र था। तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। एक और हमें इंपॉर्टेंट साइट याद रखनी है जो कि है कर्नाटका में होयसला ग्रुप ऑफ सेक्रेट टेम्पल्स, तो ये भी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई है और ये इंडिया की 42nd साइट बनी है। तो अब भारत में अगर बात करें कुल कितनी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है यूनेस्को की, तो आप आंसर मार्क करेंगे 42। बात करें टेम्पल्स की, तो देखिए इन्हें 12th और 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, ये कर्नाटका में है लोकेटेड, स्टेट याद रखेंगे। इट वॉज़ द कैपिटल ऑफ द होयसला डायनेस्टी, और इसे एक तरीके से जो होयसला कला और साहित्य के उसका संरक्षक भी इसको माना जाता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इरिडा जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ साइन एन MOU विद विच बैंक टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इरिडे को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ में इरिडे ने भारत में देखिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ MOU साइन किया है। तो अभी इन्होंने MOU साइन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर। तो इसका मेन उद्देश्य यही है देखिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है भारत में, अलग अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सह उधार और जो लोन सिंडिकेशन है यानी ऋण सिंडिकेशन है उसको बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए जो कार्बन एमिशन है, जो इंडिया के एफर्ट्स हैं उसको कम करने में उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल कमर्शियल कार्ड, किस बैंक ने अभी वर्चुअल कमर्शियल कार्ड को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है अभी इंडसलैंड बैंक ने। अभी जो वर्चुअल कमर्शियल कार्ड है इससे देखिए कॉरपोरेट्स और जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उनको काफ़ी मदद मिलेगी, जो कई सारी जो है मल्टीपल फॉरेन करेंसीज में बुकिंग करती हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुछ और फैसिलिटीज़ की बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो देखिए इंडियन बैंक ने जो है अभी IB साथी नाम से एक सुविधा लॉन्च की थी टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था नया हेल्थ वेलनेस प्लान जिसको नाम दिया था सेवा। भारतीय एक्सा लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया लाइफ इनकम लाभ टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। DBS बैंक ने अनवील किया मेटावर्स एडवेंचर ऑन DBS वेटर बर्ड। अगला क्वेश्चन,
who has been appointed as the chairman of the Digital Infrastructure Providers Association. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है धनंजय जोशी। तो ये चेयरमैन पद पे जो हैं इसके अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सक्सेड किसे किया है ये आपको सिंपल याद रखना है, अखिल गुप्ता की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन इन पैरा कमांडो, सो कौन अपॉइंट हुई हैं? पायल छाबड़ा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इंतरिम डायरेक्टर बने राहुल नवीन और नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन बनी है सिंधु गंगाधरन। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज एचडीएफसी बैंक एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्ष की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी, इनको रीअपॉइंट किया गया है कि एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ पद पे फिर से अपॉइंट हुए हैं, कितने साल के लिए? तो करेक्ट आंसर मार्क करेंगे 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो ये रीअपॉइंटमेंट इनका जो है वो देखिए 27 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2026 तक 3 सालों के लिए रहेगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख, एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन द मेंस इवेंट एट द डायमंड लीग फाइनल 2023 इन द यूएसए। तो यूएसए में देखिए अभी जो डायमंड लीग फाइनल हुआ उसमें पुरुषों की प्रतियोगिता किसने जीती, तो मेंस का जो इवेंट है फ्रेंड्स वो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है जैकब बडलीच। इनका नाम याद रखेंगे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स मेंस इवेंट जीता और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं इनकी कंट्री। और इसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा कौन सी पोजीशन पे रहे? तो इसमें ये सेकंड पोजीशन पे रहे थे। तो इनकी पोजीशन भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये मेंस इवेंट किसने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्लीन केली हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2023 फॉर हेर एक्सीलेंट रिसेंट फॉर्म। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो अगस्त महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? इस तरह से भी याद रखेंगे तो ये अवार्ड मिला है अर्लीन केली को। अब बात करते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स कहाँ से? आयरलैंड से। तो आयरलैंड की है अर्लीन केली। अब इसी तरह से आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे अगस्त की, तो किसे मिला है? पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को। तो मेंस में भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, वुमेंस में भी पूछ सकती हैं। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2023 के सभी जो मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलते हैं वो सभी यहाँ रखे हैं। यहाँ वुमेंस की बात हो रही, जैसे जनवरी में मिला था इंग्लैंड की ग्रेस क्रिविंस को, फेब्रुअरी में मिला था ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को। तो इस तरह से हमें हर एक महीने का ये याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इसको ज़रूर मार्क करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों से यहाँ से कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कम्प्लीट हो गए। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सिंधी लैंग्वेज को शामिल कब किया गया था? 1967 में, ठीक है। और एक अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट 1967, उसी के तहत सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल जो है उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तारीख को हुआ था? तो पहला सत्र हुआ था 9 to 23 December 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं कौन इलेक्ट करता है उन्हें?
आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही चूज़ करते हैं लोकसभा के स्पीकर को। और करंट में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो आंसर है फ्रेंड्स ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर है 11th शेड्यूल को जो है ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज वॉज हेल्ड इन विच ईयर? भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो पहला आम चुनाव था वो किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो फ्रेंड दो क्वेश्चन आपके लिए हमने रखे हैं टेस्ट में, तो आप उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन क्या है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सेकेंड क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जिसे कहते हैं खान मंत्रालय, तो अभी इसके नए सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप सभी ज़रूर जानते हैं क्योंकि रिसेंट के ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।